सरोजनी में 250 की मिलती है. इज अ स्पेसिफिक शॉप व्हिच सेल्स 100 रुपए की बैग, ओवरसाइज ब्लेजर. मैं लिटरली मीटिंग के लिए एक दिन दिल्ली गई थी, पर फिर भी मैंने सरोजनी स्किप नहीं किया. हाय, वेलकम टू ह्यूज सरोजनी हॉल, वेयर आई फाउंड सम वेरी यूनिक पीसेस समर के लिए एंड सम ऑल अराउंड पीसेस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. फर्स्टली आई फाउंड दिस डेनिम छोटू सी बैग. सो आई नो ये थोड़ी विंटेज डिजाइन है, बट आई प्लान कि इसके पीछे मैं इसको मस्त कुछ DIY करूँ, या तो एम्ब्रॉयडर करूँ या पेंट करूँ. बट इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी इन ट्रेंड राइट नाउ दिस साइज, एंड ये 100 रुपीज की मिली. इज अ स्पेसिफिक शॉप व्हिच सेल्स 100 रुपए की बैग, बट आई रिवील उसका एड्रेस एक यूट्यूब शॉर्ट्स में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सरोजनी में स्कार्फ के छोटे छोटे स्टॉल्स तो इतने सारे लगते हैं. आई बॉट क्वाइट अ फ्यू, उसमें से दीज टू आर माय फेवरेट. सो द फर्स्ट वन इज पीच चेकर्ड वन विद छोटे छोटे फ्लावर्स ऑन इट. चेक्स में भी कहीं तो स्ट्राइप्स है, कोई प्लेन है, एंड 80 रुपीज के स्कार्फ में नीचे टैसल्स है, बोलो. सेकंड है दिस वन जिसमें एसिमेट्रिक पोलका डॉट है ना, दैट्स व्हाई आई लव्ड इट अ लॉट. पोलका डॉट्स एंड मी गो अ वेरी लॉन्ग वे, बट दीज अलग अलग साइज के पोलका डॉट्स इज व्हाट आई फेल इन लव विद अगेन. इसमें टैसलिंग भी दो अलग कलर्स की है, ब्लू एंड व्हाइट. बट आई फाउंड दिस डेनिम कार्गो. डेनिम कार्गोज आर सो मच इन ट्रेंड. सो दिस इज एसिड वॉश. मुझे नॉर्मली एसिड वॉश इतनी अच्छी नहीं लगती, बट इन माई साइज आई कुडंट फाइंड एनीथिंग एल्स, दिस वॉज द ओनली ऑप्शन. सो आई लाइक चलो ये ट्राई कर लेते हैं, इफ इट्स वर्थ इट फॉर 500 और नॉट. एंड मटीरियल फील्स क्वाइट स्टर्डी. देयर इज अ पॉकेट ऑन द साइड, वन एट द बैक एंड वन इन द फ्रंट. सो थैंक गॉड कोई तो विमेन जीन्स में इतने पॉकेट्स मिले, वरना वी हैव द स्मॉलेस्ट पॉकेट, सो दैट वी हैव टू कंपल्सरी बाय बैग्स. बट गेट नंबर 3 से जब एंटर होके लेफ्ट मारते ना, वहीं पर सेकंड शॉप है जिधर इतने सारे डेनिम्स के वैरायटी थे. दैट्स वेयर यू नीड टू गो. समर में व्हाइट ड्रेसेस पहनना इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट, एंड लुक व्हाट वी फाउंड, अ व्हाइट मैक्सी ड्रेस, दैट टू ओनली फॉर 350 रुपीज, व्हिच इज नथिंग. ऑनलाइन लेने जाते हैं ना, थोड़ा सा ये जो जाली वर्क है ना, एंड समथिंग व्हिच हैज सच अ बिग फ्लेयर, इट इजीली रिटेल्स फॉर मोर देन 2000 रुपीज. सो फाइंडिंग समथिंग लाइक दिस इन थ्रिफ्टिंग इज अमेजिंग. आई नो काफी बार मेरे हर सरोजनी वीडियो के नीचे ये डिबेट चलते हैं कि ये कपड़े सेकेंड हैंड होते हैं या नहीं होते. आई फील कि कुछ कुछ सेकेंड हैंड होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यू नो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वेयर ऑन इट, लाइक थोड़ी सी जो अंडर आर्म से अगर उसमें पिलिंग होने लगती है, दाने दाने अगर होते हैं, देन दैट्स अ साइन दैट इज यू. सो इफ यू डोंट वांट टू बाय सेकंड हैंड क्लोथ्स, आई पर्सनली डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग. अगर आप घर पे उसको डेटॉल से अच्छे से धो रहे हो बिफोर वेयरिंग इट, देन आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन सेकंड हैंड क्लोथिंग. आई हैव माइसेल्फ बॉट अ सेकंड हैंड लग्जरी बैग व्हेन आई वेंट टू लंडन, व्हिच आई विल शो यू सून. बट इफ यू डोंट लाइक इट, जस्ट लुक फॉर साइंस ऑफ वेरेज. अदरवाइज इफ इट लुक्स एज गुड एज न्यू, बहुत सारे एक्सपोर्ट रिजेक्ट्स भी होते हैं जो हल्के से डिफेक्ट की वजह से brands just discard ki you know we can't sell it in the showroom, but they sell it by the kilo to such vendors, so that's how we get them for the price that we get them for. Speaking of that, I think this was one export reject by H&M, and look at the cut of the ganji yaar, peeche se bhi kafi mast hai. It's a size XL which is rare. Street shopping mein bade sizes dhoondna yaar kafi difficult hota hai, but this tag also looks original to me, and normally I'm quite like अवेक, आंखें खुली रख के मैं ढूंढती हूँ इफ इट्स ओरिजिनल और नॉट, बट द क्वालिटी फील्स गुड. एंड 100 रुपीज गाइज, 100 रुपए में व्हाइट टॉप तो मतलब 100 बार पहनने में आता ही है इन समर्स. एंड फ्रॉम द 100 रुपी बैग स्टोर ओनली, वहां पे और भी बैग्स थे. आई बॉट दिस नाइलॉन नियॉन बैग बिकॉज अ पॉप ऑफ नियॉन आई लव, लाइक जस्ट लाइक माई टॉप टूडे. सो दिस इज अ नाइलॉन मटीरियल व्हिच अगेन इज वेरी वेरी ट्रेंडी, एंड टोट बैग्स में इतना सामान आता है, मतलब ट्रिप्स पे भी लेके जा सकते हैं बिकॉज दुनिया भर का सामान आ जाएगा इसमें. तो बेस्ट पार्ट इज दिस ऑल्सो हैज अ लाइनिंग, सो देयर इज डबल प्रोटेक्शन, केस यू पुट एनी शार्प ऑब्जेक्ट तो सीधा आपका बैग नहीं फटने वाला. सो दिस आई गॉट फॉर 250 रुपीज आई थिंक, एंड इट्स अ स्टील फॉर 250 रुपीज. आई बेट इफ H&M वुड कम अप विद दिस कम से कम 1000 रुपए का, तो 1000 तो बहुत कम बोल रही हूँ, 1000-1500 की तो होती ही. Okay, अब जो मैं आपको दिखाऊंगी, इफ यू लिव नियर सरोजनी और व्हेनेवर यू गो, यू हैव टू बाय दिस बिकॉज आई थिंक दिस इज मोस्ट पैसा वसूल आइटम, दीज फ्लैट्स. इस फ्लैट्स में मैंने इतने सारे कलर्स देखे वहां पर, एंड इतनी कुशनिंग है इसमें, लाइक जस्ट लुक एट दिस, कि दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल टू वॉक इन. एंड ब्राउन फ्लैट्स विद एथनिक वेयर लुक्स bomb. I think that's the best and सबसे easy way to style your ethnic kurtas with denims. I got these for 200-250. मैंने इसमें black भी लिया, and उसमें green and so many pops of color are available. Definitely check these out. And there are so many little stalls. वो जो circle stand होता है ना, जो rotate होता है, वहां से आई फाउंड दीज हील्स फॉर 250 रुपीज. एंड आई थिंक अ बंच ऑफ स्टोर्स, इंस्टाग्राम स्टोर्स एंड लॉट ऑफ फैशन वेबसाइट, आई थिंक वो सरोजनी से बाय करके सेल करते होंगे, बिकॉज आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ हील्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर 600-800, एंड सरोजनी में 250 की मिलती है. सो इफ यू इंटरेस्टेड इन स्ट्रैपी हील्स एंड ब्लॉक हील्स व्हिच आर डेफिनेटली मोर कंफर्टेबल,
have an eye out for these. And I am planning to style this with this blazer, जो actually मैंने Alia Bhatt look के लिए लिया है. You'll see it soon. But look at the blazer, यार. Shoulders are padded, so it's gonna give a very boxy, nice, bossy, structured look. And sleeves are big, it's nice and oversized. And this was for 250 or 300 rupees. वही range में था ये. So whenever I go to Sarojini, even if it's gonna be summer, अगर अच्छा blazer दिख जाता है, then I don't leave it because at this price, good quality blazers are fab. Next up, it's summer, so flowy skirts look amazing and they feel amazing because इतनी हवा आ सकती है उसमें, इतना comfort रहता है. So this yellow skirt with छोटू flowers on it just had my heart the moment I saw it. The only thing I really don't like is इसकी जो lining है ना, it doesn't really feel the most comfortable. थोड़ी किच-किच वाली लग रही है जो चुभेगी after wearing. But this was for 250 rupees, which again is a great price. Normally मैंने ये print Forever New में देखी है and their stuff starts at like 3-4,000. तो आई थॉट कि चलो एक बार थोड़ा मैं अंदर शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के या टाइट्स पहन के कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, बट दिस लुक इज टू लिव फॉर. ओके, फिर एक हटके पीस मिला, सिल्वर मेटालिक शर्ट एंड इट लिटरली रिफ्लेक्ट्स. सो इफ यू लाइक गोइंग टू क्लबिंग और अ प्लेस विथ लो लाइटिंग जहाँ पे ऐसे कलरफुल नियॉन लाइट्स होते हैं, यू विल डेफिनेटली बी द डिस्को बॉल ऑफ द प्लेस एंड आई डोंट माइंड बीइंग दैट. इसलिए आई थॉट कि चलो ट्राई करते इसको स्टाइल करना बिकॉज दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड यूनिक. दिस वाज फॉर 250 रुपीज. नाउ व्हाइट शर्ट्स, इफ यू लाइक व्हाइट शर्ट्स, अगेन नो नीड टू बर्न अ होल इन योर पॉकेट. सरोजिनी में बहुत सारे ऐसे वही सेम सर्कल वाले स्टॉल्स होते हैं जो पहले तो 100 रुपीज से स्टार्ट होते थे, बट अब मैंने 150 के नीचे कोई भी व्हाइट शर्ट नहीं देखा. सो आई थॉट कि अगर आपने रेट बढ़ाया तो मैं मेरी चॉइस भी बढ़ाऊंगी. सो आई वाज बीइंग वेरी सिलेक्टिव कि कुछ हटके लेके जाऊंगी एंड दैट्स व्हाई दिस वन आई लव बिकॉज इसके आगे नॉट डिटेलिंग है. सो एट द नेक लाइन दैट इज हाउ इट फ्लोस एंड इट्स वेरी फ्लोई, वेरी कम्फी. सो कैन हाफ टक इट इन योर पैंट्स और जीन्स एंड इट लुक ग्रेट. एंड सेकेंड व्हाइट शर्ट दैट आई बॉट इज दिस वेरी गर्ली, वेरी फेमिनिन सी कॉलर है इसकी. इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, लाइट है, प्लीटेड फैब्रिक है एक्चुअली इसका. इट हैज वन क्वार्टर स्लीव्स, इट्स डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट, तो अंदर इनर तो पहनना पड़ेगा, कैमसोल पहनना पड़ेगा, बट इट लुक वेरी क्यूट एस्पेशली विद स्कर्ट्स. ग्राफिक टी शर्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बट आई फील लाइक कि मैंने गलती कर दी. मैं ना बहुत लेट हो रही थी टू कैच द फ्लाइट, तो दिस वॉज द लास्ट थिंग आई बॉट, तो मैंने जल्दबाजी में ये ले लिया. इट्स नॉट बैड बट आई डेफिनेटली थिंक आई कुड हैव डन बेटर. लाइक थोड़ा सा डार्क कलर लग रहा है, प्रिंट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट, बट दिस इज फॉर 200 रुपीज एंड देयर वर सो मेनी ग्राफिक टी शर्ट्स फॉर मेन एज वेल. फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट सरोजनी में लड़कों के लिए कुछ अच्छा मिल रहा था. सो इफ यू लाइक ओवर साइज टी शर्ट्स, चेक आउट सरोजनी, पर थोड़ा टाइम लगेगा टू पिक अ गुड डिजाइन. एंड मैं इसको नाइट ड्रेस में तो डेफिनेटली पहनूंगी एंड प्रॉब्ली विद डेनिम शॉर्ट्स. यार इसको स्टाइल करने का चैलेंज लेते हैं, लेट्स सी इफ वी कैन स्टाइल आवर मिस्टेक फ्रॉम सरोजनी. फ्रॉम द सेम 100 रुपी बैग वेंडर आई बॉट दिस छोटू सी पोटली विच हैज एन एम्ब्रॉयडर्ड स्पैरो और बर्ड ऑन इट एंड सो मेनी जेम स्टोन्स. हल्के से डिफेक्ट्स है यहाँ वहाँ, बट यू नो आई रियली डोंट माइंड बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक पीस. एंड सेकंड थिंग, इसमें चेन के लिए होल्स है बट चेन आई नहीं है, सो आई एम जस्ट गोना यूज समथिंग आई ऑलरेडी हैव, बट इट्स अ नाइस पीस टू अपसाइकल. एंड अनदर थिंग जो मुझे मिली वहां से इज दिस. अब देख के तो मुझे भी लगा कि अरे इज दिस जस्ट लाइक अ क्लच, बट व्हेन आई ओपन्ड इट, इट्स अ ट्रैवल ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर. सो ये एक्चुअली यहाँ से डिटैच होता है एंड यू कैन पुट योर रिंग्स इनसाइड दिस एंड पुट इट बैक. एंड देन देयर आर छोटू कंपार्टमेंट्स फॉर नेकलेसेस एंड देयर इज अ बिग वन टू पुट एनीथिंग एल्स एज वेल, लाइक योर बिग इयररिंग्स और झुमकास. एंड देन यू कैन जस्ट रोल इट अप, ये बल्की होगा तो भी रोल अप होगा. यूज दीज रिबन्स टू टाई इट अप. हाउ जीनियस है ना. फिर वही 100 रुपी बैग स्टोर के बाहर एक भैया बैठते हैं हु सेल्स टोट बैग्स फॉर फ्लैट 100 रुपीज. सो आई बॉट 5 फॉर 500 बिकॉज टोट बैग्स आर माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज आई लाइक टू कॉल ऑल माय स्वीट स्पॉट्स बिकॉज वो सबसे ज्यादा काम आती है. कभी भी मुझे लेट हो रहा होता है ना तो आई लुक फॉर द नियरेस्ट टोट बैग और मैं इसमें सब मेरा पानी की बॉटल, टिफिन, लैपटॉप सब डाल देती हूँ. द फर्स्ट काइंड आर दीज थ्री, दे कॉन्ट्रास्ट वाले टोट बैग्स विच लुक अमेजिंग इन समर. सो द होल बैग इज वन कलर एंड कॉन्ट्रास्टिंग में हैंडल्स एंड टॉप पैनल है. सो द फर्स्ट वन इज येलो एंड ऑरेंज, टू ऑफ माई फेवरेट कलर्स. सेकेंड वन इज पिंक एंड ऑरेंज बिकॉज आई क्वाइट लाइक पिंक, सो आई स्टिल लाइक दिस कलर कॉम्बो. एंड थर्ड वन इज रेड एंड ब्लू बिकॉज आई जस्ट रियली लाइक दिस. तो ये थी थीम. एंड देन आई गॉट दिस लेपर्ड प्रिंट वन बिकॉज आई थॉट इट लुक ग्रेट. इसका फैब्रिक भी थोड़ा सा अलग है उससे, दिस फील्स लाइक एन एक्सपोर्ट रिजेक्ट. वो सब एक ही मैन्युफैक्चरर के लग रहे थे. इट लुक नाइस विद अ प्लेन आउटफिट, जस्ट अ व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, वो ब्राउन फ्लैट्स एंड दिस टोट बैग. इट्स अ लुक. एंड लास्ट इज दिस टेक्स्चर्ड वन. दिस फील्स अ लिटिल बिट लाइक इट्स गोइंग टू स्क्रैच द स्किन, लेकिन इसका टेक्स्चर ऐसा है लाइक इट्स प्रॉपरली वोवन. तो इसका धागा मोटा है, इट्स जूट
कुर्ती. सो दिस इज मोर बीची बट फॉर 100 rupees आप बन करके ले सकते हैं. लास्टली आई बॉट अ कपल ऑफ ब्लेजर्स बिकॉज व्हेन यू विल सी यू विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट वन इज दिस पेस्टल ग्रीन कलर्ड ओवरसाइज ब्लेजर. क्योंकि ओवरसाइज कुछ भी चीज होती है ना इट इमीडिएटली इज 30% मोर एक्सपेंसिव इन नॉर्मल स्टोर. सो व्हेन आई फाइंड समथिंग ओवरसाइज इन सरोजनी यू बेस्ट बिलीव आई विल पिक इट अप. एंड दिस ग्रीन ब्लेजर just look too cool and too calming to leave it behind. And last item, probably one of my favorites, is this pastel blue satin finish from the inside wala blazer. Because even this looked so comfy and soft ki I was like pehen ke bhi maza hi aayega isko. So mujhe light colors bahut acche lagte style karne. So this is what I set my heart on. Iske buttons ki bhi finishing abhi tak bahut achhi hai. 250 rupees each the ye blazer because maine teenon ek hi bhaiya se liye to unhone 750 mein teen de diye. And 10 on 10 love at first sight. But this was my huge Sarojini haul. But if you enjoyed watching this video you know what to do. Subscribe and give it a thumbs up kyunki itne sare street shopping hauls hai yaar channel pe. But maza nahi aaya then banda zara thumbs down. I will see you in a brand new video very very soon. Until then goodbye.